नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूँ आयुष सूर्यवंशी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और बीजेपी पिछली सरकारों के इतिहास को मुद्दा बना रही है। माफिया और गुंडाराज को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। पीएम मोदी ने इसे हिस्ट्री बनाम हिस्ट्री शीटर का चुनाव बता दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार का यूपी का चुनाव हिस्ट्री शीटर बनाम हिस्ट्री का होगा? एसपी के इतिहास से क्या बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा मिल पाएगा? माफिया राज बनाम बुलडोजर पर क्या बैलेट पड़ेगा, वोट पड़ेंगे? कानून व्यवस्था 22 का क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? और क्या लिस्ट के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिख रहे हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? इन्हीं तमाम पहलू पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखें। यूपी का सियासी महासमर दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। माफियावाद और गुंडाराज के मुद्दे पर बीजेपी नेता एसपी पर हमलावर हैं। पीएम मोदी ने जन चौपाल के जरिए कहा कि 2022 का चुनाव माफिया को बाहर रखने का चुनाव है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। सपा और गुंडागर्दी ये तो पर्यायवाची है, जहां सपा वहां गुंडागर्दी, ये तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा है, इसी में ये काम करते रहे। माफिया को संरक्षण और गुंडाराज के मुद्दे पर पूर्व की एसपी सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रही, जिसे बीजेपी इस बार बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन सवाल है कि क्या गुंडई वाले एसपी के इतिहास से बीजेपी को फायदा मिलेगा? इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। टीम न्यूज स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिस्ट्री बनाम हिस्ट्री शीटर का ये चुनाव है। मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। ऐसे में सबसे बड़े सवाल सबसे बड़ा मुद्दा का किया, यूपी का चुनाव हिस्ट्री शीटर बनाम हिस्ट्री का है, जो प्रधानमंत्री ने कहा। एसपी के इतिहास से क्या बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा मिल पाएगा, जो दावा कर रही है बीजेपी? और साथ ही माफिया राज बनाम बुलडोजर पर क्या इस बार का चुनाव कानून व्यवस्था, क्या 22 के महासमर का सबसे बड़ा मुद्दा है? लिस्ट के बाद समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? क्या अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं? अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया उसको लेकर क्या बीजेपी घिर रही है? अखिलेश यादव ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर हिलाल नकवी जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उमाकांत लखीड़ा सर, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उमाकांत सर भी कनेक्ट हो चुके हैं। उमाकांत सर, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश का ये चुनाव माफिया राज के मुद्दे पर है, क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फायदा किसे मिलेगा? इस पर तो जाएंगे, लेकिन साथ साथ ADR की इस रिपोर्ट का भी जिक्र करना बड़ा जरूरी सा हो जाता है, जिसमें पहले चरण का विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण के बाद ये कहा गया कि 28 उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी ने उतारे थे उसमें से करीब 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह से RLD के 59% उम्मीदवारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें भी 50% आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार हैं। पश्चिम का ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का पूरा अगर चुनाव इस लिहाज से अगर देखें तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था और माफिया राज है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी एक समस्याएं हैं और जहां 10 तारीख को पहले चरण में वोट पड़ेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पार्ट में पड़ेंगे, दूसरे पार्ट में 14 को पड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो उसमें एक किसान है, वहां एक
सामाजिक परिस्थिति भी जो बाकी उत्तर प्रदेश से उससे थोड़ा सा अलग है और किसानी वाला क्षेत्र है और राजनीति भी मैं ये बता दूं कि पिछले 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां भारी जन समर्थन जातियों से ऊपर उठ करके जिसको कहते हैं कि तमाम तरह की जातियों की बेड़ियां टूट गई थी 2017 में, ये ऐसा मैं मानता हूं। और इसीलिए देखें कि जो भाजपा विरोधी पार्टियां थी उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हुआ आज वर्चुअल रैली में और योगी जी का भी भाषण हुआ, तो देखिए जो उनकी रणनीति लग रही है कि जो उन्होंने जो जातियों का 2014 से लेकर के जातियों का जो एकीकरण हुआ था भाजपा के पीछे, वो जातियों का एकीकरण जारी था 2017 में और 2019 में भी पूरी एकताबद्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन आज जब हम 2022 में खड़े हैं तो 2022, 2017, 2024 और 2019 से एकदम अलग है और एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिली है, चुनौती जनता के जो मुद्दे हैं उनसे चुनौती मिली है। और एक और मुद्दा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कोविड पीरियड हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, इससे ऐसा लगता है कि इस पूरी जो छाया में ये चुनाव हो रहा है, चुनाव की जो रणनीति है समाजवादी पार्टी पर, मुझे याद है हम चुनाव प्रचार में 2014 के 2017 2019 में यूपी में जाते थे तो जातिवाद की जो समाजवादी पार्टी की जो जातिवाद की राजनीति थी उस पर हमला प्रहार किए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में जाति की राजनीति पर कोई बात नहीं हो रही है वो बेसिकली, और हिंदुत्व पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। ये जो शिफ्ट हुआ है, फोकस हुआ है, ये माफिया गुंडा राज इस पर जो अचानक पिछले 1.5-2 महीने से हम सुन रहे हैं, 1.5 महीने से जो फोकस हुआ है, इसके पीछे सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक चुनौती हुई है, जातियों का एकीकरण हुआ है, और कांग्रेस ने भी जहां जो शहरी मतदाता है जिसको अपर कास्ट मतदाता कह सकते हैं, वहां कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वहां सेंध लगाने की कोशिश की है, माइनॉरिटीज वोट में भी सेंध लगाने की कांग्रेस ने कोशिश की है, तो ये सारे चीजों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो आज भाषण है, उस भाषण में देखो तमाम तरह की चीजें, चीनी मिल, छोटे किसान, मार्जिनल किसान, लेकिन जो चिंता हो रही है, जो बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है कि जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, जो व्यापारी वर्ग है उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो काफी घट गई है, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है आपका ये कहना है, और बाकी एक मुद्दों को लेकर परसेप्शन गढ़ने की कोशिश, नए चुनाव में नया मुद्दा लाने की कोशिश आपका ये कहना है वहां का आंसर। प्रोफेसर हिलाल नकवी भी लगातार बने हैं। प्रोफेसर हिलाल नकवी साहब, आपसे सवाल यही है कि क्या माफिया राज कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, और अगर है तो क्या 2017 से 2022 तक का जो आपराधिक रिकॉर्ड है एनसीआरबी का उसको लेकर सिर्फ कांग्रेस हमलावर है, या 2017 में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी वो कांग्रेस 2017 के पहले वाले आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर भी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है? देखिए आज जो चुनाव हो रहा है और जिस तरह से चुनाव का प्रचार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के बीच में एक स्पर्धा है, पारस्परिक स्पर्धा है कि किसके राज्य में ज्यादा बड़ा माफियागिरी थी, ज्यादा बड़ा गुंडा राज हुआ करता था। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास भी अगर देखा जाए, जो बराबर एडीआर की रिपोर्ट आ रही है उसमें देखिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो लोग उतर रहे हैं, जिनको टिकट दिया गया या जो पिछले विधानसभा में चुन करके आए थे, उसमें भी काफी लोग ऐसे थे जिनके पर बहुत ही जघन अपराध की उनके पर धाराएं लगी हुई थी। ठीक है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में तय करें कि कौन नंबर एक गुंडा है, कौन नंबर दो गुंडा है, और इसका पूरा का पूरा अधिकार जो है वो जनता के पास है कि वो उसमें चुनाव में देखेंगे कि नंबर एक गुंडे को वोट दे या नंबर दो। डबल स्टैंडर्ड सा नहीं हो जाएगा कांग्रेस के लिए कि 2017 में जिस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़े थे अब उसी पार्टी को लेकर आप हमला बोल रहे हैं? पिछली बार नहीं बोला, अब याद आ गया आपको? अब उन लोगों में आपस में ये प्रतिस्पर्धा है और साथ ही साथ जो जनता है वो ये तय करेगी कि उनको किसको वोट देना है। उनको वोट देना है जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको वोट देना है जो गरीबी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको वोट देना है जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको वोट देना है। चलिए, तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस के लिए कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इसको लेकर कॉम्पिटिशन चल रहा है, इस कांग्रेस का स्टैंड है। राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के और केन पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी कनेक्ट हो चुके हैं। केन पांडे सर, मैं आपका ही करना
चाहूंगा, बीजेपी एक बड़ा आरोपी लगाती है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअल रैली में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आयु कहे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने संवाद किया इसको उठाया गया, तो बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर माफिया राज को लेकर हमलावर हो गई है। क्या यह दुखती नब्ज है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए आयुष जी, ये दुखती नब्ज का सवाल नहीं। प्रधानमंत्री जी लखीमपुर के अंदर जो व्यक्ति किसानों को धमकी दे रहा था, जिसके साजिश के फलाव स्वरूप उसका बेटा किसानों को गाड़ी चलाता है, उसको तो प्रधानमंत्री जी बचाते हैं। अपने पार्टी की सरकार में गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मय, किरण पाटिल जी मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आपकी आवाज बेहतर नहीं आ पा रही है, जैसे ही आपकी आवाज दुरुस्त होगी आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन राघवेंद्र जी, किरण पांडे जी का मुद्दा यही साफ है कि बीजेपी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू करती है, अपने राज में जो लखीमपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, बुलंदशहर में जो हुआ वो किसी को नहीं दिख रहा है। देखिए आयुष जी, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। 2012 से लेकर 2017 तक की सरकार देखी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, 2017 के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार देखी है। अभी यादें धुंधली नहीं है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे, किस प्रकार से समाजवादी गुंडे थानों में दबाव बनाया रखते थे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया था। एटा इटावी, एटा इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इस बेल्ट में नए नए शिक्षा माफिया डेवलप कर गए थे। उत्तर प्रदेश पूरा आग की तरह तप रहा था, यहाँ पर अराजकता चरम सीमा पर थी। उसके अंतराल में उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार संभाली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक दंगा करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया, तो किस प्रकार से हमारी सरकार ने सख्ती से निपटा पूरे उत्तर प्रदेश से देखा, लोगों की फोटो चश्मा कर दी गई और उनसे वसूली की गई, परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, बुलडोजर चलाए गए, 2000 करोड़, 20000 करोड़ की संपत्ति अपने। तो वही तो समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि आप अपने मुफीद वाले मुद्दों को क्यों रख रहे हैं, लखीमपुर वाले कांड का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है, सहारनपुर का तो जिक्र आपने किया ही नहीं जहां पर जातीय विद्वेष की भावना से हिंसा भड़की थी, सीए को लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी अगर आपराधिक घटना हुई है उसको कुचलने का काम किया है। ठीक है किरण पांडे सर, अगर आप कनेक्ट है हमारे साथ, किरण पांडे जी के मैं रुक करूंगा। किरण पांडे जी, एक बड़ा आरोपी है कि गायत्री प्रजापति के बेटे को, परिवार के लोगों को, दरअसल उनकी पत्नी को आप लोगों ने प्रत्याशी बना दिया, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लगातार मामले थे उनको आप लोगों ने प्रत्याशी बना दिया, आजम खान को प्रत्याशी बना दिया गया है, नाहिद हसन को प्रत्याशी बना दिया गया, मीरगंज से इसी तरह से एक उम्मीदवार है, आरएलडी जो आपके साथ है उन्होंने भी कई ऐसे विवादित प्रत्याशियों को जगह दी है, तो क्या जनता में संदेश देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के खिलाफ है या फिर माफियाओं के साथ रहकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? किरण पांडे जी, चलिए ठीक है, किरण पांडे जी की आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास शायद। प्रोफेसर हिलाल लखवी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए क्या माफिया राज मुद्दा नहीं है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, तमाम मुद्दों का आप लोग जिक्र कर रहे हैं और माफिया राज का न जिक्र करना, क्या समाजवादी पार्टी के कहीं साथ आप लोगों का कोई ऐसी डील तो नहीं हुई है कि बैकडोर से जो अभिवादन सबके सामने था वो अभिवादन पीछे से भी दिख रहा है? देखिए, जहां तक कि माफिया राज का सवाल उठता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो किसी तरह के कोई भी कानून व्यवस्था खराब होने को विरोध में खड़ी होती है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। और रही बात माफिया राज की कि कहां पे माफिया राज है, किसके पास समय में ज्यादा माफिया राज है, ये बात प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के समय में होने वाले माफिया राज के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग चुनाव लड़े थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो माफिया राज था वो मुद्दा नहीं है, अब आप लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव तो वो मुद्दा हो गया है, यही तो जनता जानना चाहती है कि ऐसा स्टैंडर्ड क्यों है, या सिर्फ माना जाए कि बाकी सियासी पार्टियों की तरह आप लोग भी कोर पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी जो चुनावी मुद्दे हैं सिर्फ चुनावी मुद्दों की तरह उसे लिया जाए। समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो राजनीति है वो बदलती रहती है। अगर आप ये समझे कि राजनीति एक जगह पर खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से ये अपने आप में राजनीति के आकलन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय किस प्रकार की सियासत थी, उस तरह का निर्णय लिया गया। जैसी सियासत वैसे मुद्दा, जैसा मुद्दा मुफीद करेगा उस मुद्दे को उठाया जाएगा। किरण पांडे जी जैसे ही कनेक्ट होंगे उनका रुख करेंगे हम, लेकिन
आंसर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है लेकिन पार्टियां उसे अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं? अगर आप पूरा जवाब ले लें तो अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लकीरा सर मैं आपके पास आऊंगा, नकवी जी कंप्लीट कर लिए लेकिन संक्षेप में रखिएगा प्लीज, वक्त कम है मेरे पास। मकान सर मैं आपके पास आऊंगा। नकवी जी की बात अधूरी होगी शायद। प्रदेश की जनता ये निर्धारित करेगी कि उनको उन पार्टियों को चुनना है जो कि आज भी माफिया राज और गुंडागर्दी में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ जाएगी, ठीक है, जिसका की मुद्दा जो है वो एक स्वच्छ ठीक है। उमाकांत सर मेरे पास वक्त कम है। ठीक है उमाकांत सर, देखिए राजनीतिक अपराधीकरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कोई नया नहीं है। हाँ। और हर बार राजनीतिक पार्टियां की जो प्रायोरिटी होती है, जो प्राथमिकता होती है, वो होती है कि जो चुनाव जीत सके। और चुनाव जीतने में हर राजनीतिक पार्टी, जिसको कह सकता हूं मैं बड़ी कड़वी भाषा में कि भाई इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों की जो प्रायोरिटीज है वो ईमानदारी नहीं है, यह है कि जो चुनाव जीत सके, जो संख्या बल को बढ़ा सके। जब तक ये राजनीतिक पार्टियों में ये बोध नहीं आएगा और पूरी वो एक सेल्फ डिसिप्लिन से अपराधियों को, जिनके खिलाफ क्रिमिनल हीनियस क्राइम्स है, डकैती के, लूट के, ऐसे लोगों को टिकट देना बंद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जब तक टिकट दिया जाएगा तब तक रिफॉर्म आ नहीं सकता। केन पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। केन पांडे जी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन सर सवाल वही है, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि मीरगंज से आपने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो विवादित है, आपराधिक है, नाहिद हसन को आप लोगों ने टिकट दिया, आजम खान को टिकट दिया, अब्दुल्ला आजम को दिया, मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार हैं, ऐसे विवादित लोगों के साथ जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो माफिया राज के खिलाफ आप बात कैसे कर सकते हैं? आयुष जी सुरेश राणा पे बात सुने, संजीत सोम पे बात सुने जी, कपिल देव अग्रवाल पे बात सुने, ये जो इनके तमाम माफिया, 2017 की जो गठित विधानसभा है उस गठित विधानसभा में एडीआर की रिपोर्ट है कि 304 एमएलए में 116 एमएलए दागी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उस पर बात कब होगी, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता, और धनंजय सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल कब तय होगा, आईपीएस मारीलाल पाटीदार क्यों नहीं पकड़े गए, इससे सवाल कब खड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। किसानों की हत्या लखीमपुर में हुई तो उसके पीछे भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री का षड्यंत्र था, उन्होंने धमकी दिया, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, केएन पांडे जी, राघवेंद्र जी, उमाकांत सर और साथी नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माफिया राज को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर किस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिसमें आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी नहीं है, यह आपको तय करना है कि आपका प्रत्याशी कैसा है, उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, उसकी छवि जनता में कैसी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ा जा रहा है और क्या 22 के महासमर में सबसे बड़ा मुद्दा माफिया राज हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।